So whenever we talk about wildlife photography in India, even worldwide, तो सबसे पहले एक नाम आता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. और जिम कॉर्बेट में भी जिस जोन का नाम सबसे पहले आता है वो है डिकाला जोन. इन टूडेज वीडियो आई टेक यू टू डिकाला. आई शो यू कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं, क्या है सबको पता है, कितना सुंदर है. वैसे तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा. टाइगर दिखेगा नहीं दिखेगा, वो सबसे बड़ा सरप्राइज हमेशा रहता ही है. एक सस्पेंस बना रहता है जंगल का. हो सकता है ना दिखे, आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि हाँ मिलेगा ही मिलेगा एंड ऑल दैट. बट हाँ, यू विल गेट टू सी डिकाला, यू विल गेट टू सी द ब्यूटी. एक चीज़ और, मैं आया हूँ यहाँ पे कैंटर सफारी के लिए. कैंटर सफारी शुरू होगी यहाँ से 12:30 बजे और वापस आएगी अराउंड 4 बजे, 4 या 5 बजे के अराउंड यहाँ पे इस गेट पे वापस हमें ड्रॉप करेगी. लेकिन अगर आप जिप्सी से आते हो तो जिप्सी सफारी करने के लिए यू नीड टू मेक द बुकिंग 45 डेज प्रायर टू योर बुकिंग डेट. मतलब अगर आपको डिकाला में स्टे करना है, मैं स्टे कर रहा हूँ रिवर वॉक में विच इज़ इन मारचूला, तो मारचूला से पहले यहाँ एंड देन यहाँ से डिकाला. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. सो जब कैंटर सफारी आपको डिकाला में लेके जाती है तो वो आपको डिकाला के कुछ एरियाज तक ही ले जा सकती है. बाकी पूरा डिकाला घूमने के लिए आपको डिकाला के अंदर स्टे करना पड़ता है, जिसकी बुकिंग जैसे मैंने पहले बताया 45 डेज पहले फुल हो जाती है. सो बिफोर आई शो यू द वीडियोस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं एक कैंटर में था. उस कैंटर में 10-12 लोग और भी थे और सामने जब भी एलिफेंट या फिर कोई और मूवमेंट चल रहा था, जैसे कि आप आगे देखोगे पिकॉक की मीटिंग चल रही थी या फिर टाइगर की जो मूवमेंट थी वो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा शेक है. एंड जैसे मैंने बताया कैंटर में था और भी लोग थे, तो कुछ भी होता है, कोई भी हिलता है तो पूरा कैंटर शेक करने लग जाता है. दिस इज़ द रीज़न इस वीडियो में आपको थोड़ा सा शेक मिल सकता है, बट आई होप कि मूवमेंट इतने रेयर थे दैट यू स्टिल विल लाइक द वीडियो. फाइनली मैं हूँ अब डिकाला जोन में विच इज़ इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. सबको पता है डिकाला इज़ द हार्ट ऑफ जिम कॉर्बेट, बेसिकली फॉर टाइगर्स एंड अदर एनिमल्स. अभी हुआ क्या कि डिकाला आने से थोड़ा सा टाइम पहले, 10 मिनट पहले ही वी सॉ अ टाइगर फाइनली. लास्ट टाइम मेरे को याद है मैं यहाँ पे 3 दिन रुका था डिकाला में और मुझे कोई टाइगर नहीं दिखा था. बट आज डिकाला पहुँचने से पहले ही वी सॉ अ टाइगर. पानी के ऊपर बैठा हुआ था एंड वही गर्मी की वजह से एंड एज यूजुअल बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह लगी हुई थी, बट इट वॉज़ ऑल वर्थ इट. पहले तो वो बैठा रहा, देन मूव, देन पहले फेस दूसरी साइड था, तो इस तरीके से मतलब वी रियली इंजॉयड. बाकी अभी तो आए हैं, अभी 1/2 आवर का इन्होंने यहाँ पे टी ब्रेक लिया है. आई विल शो यू, यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारी जगह हैं वेयर यू कैन स्पेंड टाइम. डॉर्मेट्री भी यहीं है, डिकाला का जो स्टे होता है वो भी आपका यहीं पे होता है. और अभी 1/2 आवर का ब्रेक है, उसके बाद विल प्रोसीड फर्दर. देखेंगे टस्कर भी मिला, बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट. दिस इज द साइट सीइंग पॉइंट एंड ये है आपका रेस्टोरेंट. इसके ऊपर ही है आपका जो होटल वगैरह जहाँ पे डिकाल का स्टे होता है. एंड ये सामने जो है और इसके पीछे वो डॉर्मेट्री में अगर आप रुकते हो डिकाला में तो वो आपका ये वाला एरिया पड़ता है. एंड ये है यहाँ पे नॉर्मल कैंटीन, यहाँ पे आपको सैंडविच वगैरह मिल जाएंगे. जो दूसरे रेस्टोरेंट वहाँ पे बफे सिस्टम होता है जिसका चार्जेस होते हैं अराउंड 400 रुपीज में भी समथिंग. एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट हर्ड ऑफ स्पॉटेड डियर्स जो कि मैंने यहाँ पे देखा. उसके अलावा और भी सारे डियर्स दिखे थे, एलिफेंट्स का भी अच्छा मूवमेंट मिला था विच यू आर सीइंग नाउ. मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हुए लगभग 10 साल हो गए हैं, शायद उससे ज़्यादा ही. एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने पिकॉक की मीटिंग देखी थी.
शायद हमें और अच्छे शॉट्स मिल सकते थे और ज़्यादा मूवमेंट मिल सकता था, बट ठीक है, सामने से एक जिप्सी और रह रही थी, इधर से हम भी अपने कैंटर में थे, तो मे बी दे मूव्ड, बट स्टिल इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ माई लाइफ टिल नाउ। यहाँ पे पता लगा कि बंदरों में भी दिमाग होता है, क्योंकि इन्होंने एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर रखा था। इन्हें पता है कि मगरमच्छ इनको मार सकता है अगर ये ज़्यादा पास से जाएंगे तो इन्होंने एक डिस्टेंस मेंटेन कर रखा था कि हमें इससे इतनी दूर से ही निकलना है, क्योंकि ये इसकी जो एजिलिटी है वो इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि यहाँ तक जंप मार के हमें पकड़ सके। टाइगर की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइगर तो है ही, टाइगर तो होता ही है जब आप किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हो, टाइगर सबसे पहले आपके माइंड में होता है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो टाइगर के नेक के साइड में और इसके जहाँ पे मूस्टेज है उसके साइड में यू विल सी द स्पाइक्स, और ये स्पाइक्स है पॉर्क्यूपाइन के। ये पॉर्क्यूपाइन से इसकी कुछ लड़ाई हुई, इसने उस पर अटैक किया या उसने इस पर किया, जो भी था, बट ये टाइगर था बहुत बुरे तरीके से घायल, एंड इस वजह से ये यहाँ पे काफ़ी देर बैठा रहा। अदरवाइज टाइगर्स कैंटर वगैरह आता है तो वो मूव करके अंदर चले जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी देर बैठा रहा, घायल भी था, एंड द इमेजेस विच आई शोड यू अर्लियर वो इमेज भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ले ली थी, एंड देन इसको ट्रैंकुलाइज किया गया बाकायदा, इसके स्पाइक्स को निकाला गया, क्योंकि अगर नहीं निकालते तो शायद ये वाइल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाता। एंड देन इसकी इन्होंने जब स्पाइक्स वगैरह निकाले उसके बाद इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट वगैरह किया या फिर इसको मेडिसिन वगैरह दी, जो भी होता है। एंड अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये थी कि द टाइगर इज़ फाइन नाउ एंड अगेन बैक टू द नॉर्मल। ये जो आप आग देख रहे हो ये जंगल की आग नहीं है, ये एक्चुअली कंट्रोल फायर है जो कि सूखी पत्तियों को इकट्ठा करके ट्रैक के दोनों साइड लगाई जाती है और फिर उनके ऊपर पानी डाला जाता है जब वो पत्तियां जल जाती हैं, ताकि अगर एक साइड आग लगती है जंगल में, जो कि गर्मियों में बहुत बार लग जाती है, वो दूसरी साइड तक ना फैले। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, जंगल की आग जिसे कहते हैं उसे रोकने के लिए, ये एक फेक फायर को यूज़ किया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। एंड दिस वॉज इट फ्रॉम ढिकाला एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आई होप अच्छा लगा होगा। एलिफेंट मिला, टाइगर मिला, हॉक डियर, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर्स एंड बार्किंग डियर सारे मिले, बर्ड्स मिले अच्छे खासे, देन और भी बहुत कुछ मिला। यू हैव सीन एवरीथिंग एंड देर आर मैनी अदर प्लेसेज वे यू कैन विजिट। फॉर डैट जस्ट क्लिक ऑन द ट्रैवल प्ले लिस्ट विच यू आर सींग नाउ एंड स्टे ट्यून्ड।